हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं उबंटू वेब डेवलपमेंट। तो इसमें देखने वाले हैं गिट को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे एक क्लोन बनाएंगे, क्लोन वहां पर चेंजेस करेंगे और जो भी चेंजेस होंगे पुश करेंगे अपने रिपोजिटरी पर। तो दोस्तों यहां पर ओपन कर लीजिए गूगल और यहाँ टाइप कीजिए गिट। तो यहाँ जो लिंक होगा मैं डाउनलोड पर क्लिक कर लूँगा और उसके बाद ये ओपन हो जाएगा पेज गिट का। और यहाँ आप विंडोज़ पर है तो विंडोज़ पर क्लिक कीजिएगा, मैं लिनक्स पर क्लिक कर लेता हूँ, और मैक पर है तो मैक पर क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे कमांड्स दिए हुए हैं कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा सीधा और पेस्ट कर दूँगा अपने टर्मिनल पर। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा तो ये हमारे सिस्टम में गिट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मैंने एंटर किया, परमिशन डिनाइड आ रहा है तो मुझे सूडो लगाना होगा। मैं स्टार्टिंग में सूडो लगा लेता हूँ। तो सूडो लगाया तो ये गिट हमारा इंस्टॉल हो रहा है हमारे सिस्टम पर। और ये साइन अप गिट ये कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ से स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ मैं देखता हूँ। यहाँ तो आपको पता है कि किस तरह से आपको कॉपी पेस्ट किया है, तो यहाँ काफ़ी सारी चीज इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलिए यहाँ से हमारा तो काम हो गया है ख़त्म। तो यहाँ हमारा कोई लेना देना नहीं पेज पर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ लिखता हूँ गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस का यहाँ क्या मतलब है, अभी कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, वर्जन चेक करना होगा, गिट डैश डैश वर्जन 2.25। ये गिट आ गया है, मैं क्लियर कर लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो इस पेज को तो मैं क्लिक बंद ही कर लेता हूँ। यहाँ मैं सेट कर लेता हूँ, गिट कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं स्टेटमेंट, यूजर डॉट नेम यानी कि यूजर का नाम देना है, यहाँ पर यूजर डॉट ईमेल यूजर ईमेल का नाम देना है। उसके बाद में एक पासवर्ड आएगा, जो भी पूछेगा वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ हम गिट कॉन्फिग और मैं ग्लोबली करूँगा, तो यहाँ पर यूजर का नाम आएगा। तो आपका जो गिट हब का जो पेज है आपने जो बनाया होगा गिट हब पर साइट जो भी बनाया आपने, उसका यहाँ पर नाम आएगा यूजर का इस कोड्स के अंदर और एंटर कर देंगे। इसी के बाद फिर मैं एक और कॉपी पेस्ट करूँगा और वो होगा मेरा ईमेल के लिए। तो दोस्तों जो आपने गिटहब पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो यहाँ पर करनी है, क्योंकि आपको जो रिपोजिटरी पर पुश और पुल करना है, पुश करना होगा वो उसी पर करना होगा जो आपने गिटहब ओपन की जो बनाया हुआ है आपने अकाउंट। तो उसके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये तो आप देख ही लेंगे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, चाहे तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, तो आप यहाँ से भी उसको देख सकते हैं जो मैंने अभी लिखा था। तो हमें ग्लोबली हम सेट करें, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक हैश जो है, हमें एक टोकन भी चाहिए होगा पासवर्ड के लिए, तो बाद में देखेंगे। ये मेरी रिपोजिटरी है, यहाँ रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे, ग्लोबल में जाएंगे, सॉरी ये गिट ट्यूटोरियल में जाएंगे, यहाँ से क्लोन बनाएंगे जैसे मैंने पहले बताया था आपको। और उस क्लोन ये मैंने वहाँ का यूआरएल लिया रिपोजिटरी का, आप किसी भी रिपोजिटरी का ले सकते हैं। तो गिट क्लोन ये कमांड होगा, मैंने एंटर किया तो देखिए क्लोन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो वो रिपोजिटरी मेरे सिस्टम पर आ गई है, मैं उसमें चेंज कर लेता हूँ, सीडी गिट ट्यूटोरियल नाम से था तो मैं एंटर किया, मैं इसके अंदर आ गया हूँ, मैंने एलएस किया। तो देखिए जितनी भी फाइल्स यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर मेरे सिस्टम पर आ चुकी है। मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेटिंग में जाकर कैसे आप डेवलपर ऑप्शन में जाकर आप एक हैश जनरेट कर सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा, सेटिंग के बाद नीचे जाऊँगा, यहाँ लिखा होगा डेवलपर सेटिंग्स, और डेवलपर सेटिंग के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर एक क्रिएट करेंगे एक, ये क्योंकि जब आप पुश करेंगे आपसे पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड अगर नहीं देना चाहते हैं आप तो यहाँ पर पर्सनल एसेस टोकन आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से जनरेट किया, या मैं क्लिक कर लेता हूँ, या आप राइट साइड में देखेंगे तो रजिस्टर न्यू यहाँ पर लिखा होगा, हाँ नीचे क्लिक करूँगा मैं, मैंने नीचे क्लिक किया नीचे वाले ऑप्शन पर, और यहाँ मैंने जनरेट पर्सनल पर क्लिक किया। ये पासवर्ड पूछ रहा है तो मैंने अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ गिटहब अकाउंट का, कन्फर्म कर लेता हूँ।
और यहाँ देखिएगा मुझे क्या पूछ रहा है, वो एसेस पूछ रहा है, सेलेक्ट स्कोप्स, मतलब आप 30 डेज के लिए चाहते हैं, 60 डेज के लिए, या तो आप इसमें लिमिट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, डिटेल दी हुई है, तो मैं यहाँ कंप्लीट आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो मैं आप अपने अकॉर्डिंग टिक करते जाइएगा, जो भी एसेस देना चाहते हैं, स्कोप्स लेना चाहते हैं, वर्कफ्लो लेना चाहते हैं, तो आप नीचे इस तरह से आप ये क्लिक कीजिएगा, डिलीट रिपोजिटरी पैकेजेस, डिलीट करना चाहते हैं, मतलब क्या क्या आप एसेस करना चाहते हैं, क्या क्या राइट्स आपके पास हैं जो करना चाहते हैं, तो नीचे चलते जाएगा, जो भी है आप भर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो यहाँ पर प्रोजेक्ट है और काफ़ी चीज़ें हैं, आप डिटेल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा एडमिन, और यूजर, जो भी ऐसे चाहते हैं आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, मैं टिक कर लेता हूँ एडमिन पर, और कौन सा करना है देखते हैं, और मैं क्रिएट कर लेता हूँ टोकन। तो यहाँ पर एक नोटिस यहाँ पर आ गया, जो नोट लिखा है, NOT इन नोट, नीचे इनपुट दिया, और यहाँ भी आपको कुछ फिल करना ज़रूरी है। कहाँ पर, ये जो नोट NOT इन नोट लिखा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कुछ अपने हिसाब से, कुछ लिख दीजिए यहाँ पर, Ubuntu लिख देता हूँ, या कुछ ऐसे लिख देता हूँ, Ubuntu 2.20.04 जो मैं यूज कर रहा हूँ, और मैं एंटर कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक टोकन मिल जाएगा, ये देखिएगा। तो दोस्तों इस टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन आप करेंगे तो नहीं होगा, मैं अब इसको यहाँ चेंज कर चुका हूँ, मैं दूसरा टोकन क्रिएट कर चुका हूँ, फिलहाल आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए, जब मैं यहाँ पर गिट पुश ओरिजिन किया, ठीक है, गिट पुश ओरिजिन मैंने किया है, तो मुझसे क्या मांग रहा है, टोकन, तो मैंने वह यहाँ पर पेस्ट कर दिया उसको, ठीक है। अब मैं चेंजेस दिखाता हूँ, या तो पासवर्ड दे दीजिए आप उसका, पासवर्ड याद है तो, देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए चेंजेस कैसे होगा, मैं फिर से बताता हूँ एक बार आपको। गिट इट स्टेटस लिया, सबसे पहले तो मैं CD कहाँ करना है, LS चेक कर लेते हैं, और यहाँ देखते हैं गिट ट्यूटोरियल की, जो हमने क्लोन बनाया था वो कहाँ पर है, मैं उसके अंदर जाऊँगा, CD गिट ट्यूटोरियल, बहुत ध्यान से देखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद मैं स्टेटस चेक करूँगा, तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस अभी नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पर चेंज करना है एंगुलर JS में। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एडिटर में, नैनो एडिटर में ओपन कर लेता हूँ, तो मैंने इसको नैनो एडिटर में ओपन कर लिया है। और यहां पर मुझे चेंज करना होगा, मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं, और Ctrl+X से मैं इसको सेव कर लेता हूं, और क्लियर किया, और गिट मैंने स्टेटस देखा, रेड रंग का जो आप देख रहे हैं लिंक, ये जिस फाइल में चेंज हुआ है वो रेड कलर का दिखाएगा ऊपर, तो मुझे ऐड करना होगा इसको स्टेज पर, गिट ऐड, मैं लिखूंगा गिट, उसके बाद ऐड एक स्पेस और डॉट, ये ऐड हो गया। अब मैं स्टेटस देखूंगा तो ये ग्रीन कलर का हो चुका होगा, सक्सेसफुल। अब उसके बाद मैं लूंगा एक कमेंट, मुझे दे रहा होगा यहाँ पर, कमिट करना होगा, गिट कमिट -m, और यहाँ पर एक मैसेज जो आप भी देना चाहें, एक बार एंटर किया। अब एंटर के बाद मैं करूँगा इसको पुश, सबसे पहले देख लेता हूँ मेरे पास रिपोर्ट है या नहीं है, गिट रिपोर्ट -b, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपके पास ओरिजिन है यहाँ पर पुश और फैच के लिए, तो मैं कर लेता हूँ गिट पुश ओरिजिन, यहाँ से आपसे पूछ रहा है नेम, मैंने नेम लिखा जो पहले हमने सेट किया था, और यहाँ पे मैं अपने टोकन को, पासवर्ड दिए, टोकन को मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए मेरा कंप्लीट हो गया, या तो आप पासवर्ड डालें या फिर टोकन, मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पे चेंजेस जो हमारे
पुश्ड हो चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं ये कहाँ चेंज किया था आपने, यहाँ पर चेंज किया था। अब मैं फिर से इसको हटा के रिमूव करके दिखाऊंगा, एक बार और देख लीजिए। इस बार भी यहां से रिमूव कर लेता हूं इसको। स्टेटस रेड हुआ, जो फाइल का कलर रेड हुआ। ऐड स्पेस डॉट, ये ऐड होगी फाइल। उसके बाद मैंने स्टेटस देखा तो ग्रीन हो गया, सक्सेसफुली एडिड। मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूं थोड़ा पहले। क्लियर कमांड ये टर्मिनल के लिए है, टेक्स्ट क्लियर करने के लिए। या मैं स्टेटस चेक करता हूँ, ये तो मैं कर चुका हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। कमिट कर लेता हूँ गिट कमिट हाइफन एम और यहाँ लिख देता हूँ कमांड्स एडिट। तो देखिए चेंजेस फिर से आप देख लीजिए। मैंने किया गिट पुश ओरिजिन और यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ आपको है। तो यहाँ हो गया नेम और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो किया था शायद मैं भूल, मेरे को ध्यान दे रहा मैंने किया था, फिर कोई बात नहीं, आप प्रोसेस तो पता होना चाहिए। ये देखिए ये पुश हो गया, ये पुश हो गया। अब यहाँ पर चेंजेस देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रिफ्रेश कर दूंगा करूँगा तो ये चेंज होगा। तो इस तरह से गिट को हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है, हमने क्लोन भी बनाना सीख लिया और कैसे हम चेंजेस करते हैं अपने प्रोजेक्ट में रिपोजिटरी में और कैसे हम पुश करते हैं वो सब कुछ हमने देख लिया है। तो इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आते हैं। और आपने इतना कीमती समय निकाला इस वीडियो के लिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।